भाई घर में घुस के मारना कोई इंडिया से सीख ले यार, श्रीलंका को भाई श्रीलंका में ही घुस के भाई पेल दिया। बताओ रोज सुबह उठो, इंडिया को देखो, वो जीतेगा। रोज रात को सो जाओ, रोज सुबह उठो, तैयार हो, दफ्तर जाना है, शाम को छुट्टी होगी, रात को घर आना है, सो जाओ। कॉर्पोरेट की नौकरी, टीम इंडिया का मैच एक ही लेवल पर चला गया है। जैसे ही कुदरत ने पलटा खाया, वो पलटा श्रीलंका के लिए अजाब बन गया। वो श्रीलंका वाले देख रहे थे ये हुआ क्या यार, ये इंडिया यार मतलब क्या गजब की टीम है भाई। कोई तो टीम है भाई जो इंडिया को हरा दे भाई। जब अगर किसी को थोड़ा बैक किया मैनेजमेंट ने, तो थोड़ा सा आप उसको आप भी बैक करें। और आज उसने बैटिंग से भी दो छक्के असरंगा को ऊपर नीचे, और वो बड़ी मायूसी से वापस गया। उसका दिल नहीं कर रहा था, उसका दिल कर ही नहीं सिरा के वापस जाए क्रीज छोड़ के। इंडियन क्रिकेट टीम हर टीम को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाकर बैठी हुई है। मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। तो जैसे श्रीलंका आज उड़ी है ना यार, मैं कहता हूँ ये श्रीलंका के साथ सही बलात्कार हो गया यार, रेप कर दिया, पकड़ के यार कर दिया यार। बदकिस्मती से भाई कोई टीम ऐसी है ही नहीं भाई जो इंडिया को हरा सके। ये बैंड खाली इंडिया ने नहीं मिलके बजाई, ये कुदरत के निजाम ने साथ मिलके बजाई है यार। जैसे आज इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग दोनों हुई है यार, श्रीलंका वाले सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये हुआ क्या है। मतलब एक बारिश आधी पिच पे ठप्पा लगा हुआ था असरंगा वाली गेंद का, वो भी छक्का ही जाना था, थोड़ा सा वो बल्ले के मिडल में आई नहीं है, वरना एक और उसने वहां पे छक्का कराना था। तो टुडे वाज द डे यार। इंडिया वाले भाइयों क्या खा के भाई तुम लोग ग्राउंड में आते हो यार भाई। भाई ये इंडिया की टीम गॉड मोड में भाई चल रही है भाई, इसके आसपास भी भाई कोई टीम नहीं भटक रही। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। अब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, ये फ्रेश पिच है, ये वाली पिच जो है पिछले दो मैचेस में इस्तेमाल नहीं हुई, वो पिछले दो मैचों की पिच सेम थी, सिमिलर थी, और वो आपने देखा उस पे अच्छे खासे रन्स थे। लेकिन इससे डिफरेंट पिच, और डिफरेंट पिच पे फिर जब आप पहले बैटिंग करते हैं, समटाइम्स आपको अंदाजा नहीं होता यहाँ पिच का बिहेवियर कैसा है। वो करते कराते सेट होते होते ना होते, वो एंड पे फिर आपने जैसा भी असेस किया 137 पे पहुंचे। मेरे ख्याल में यहाँ पे 150 से 160 जो है वो तो काफी सर्टन किस्म का मैच विनिंग टोटल हो सकता था। 150 से 160 के बीच में बहुत अच्छा, वो जो पहले वाली दो मैच हुए हैं, जिस पिच पे पहले वाले दो मैच हुए हैं, उस पिच की निस्बत से यहाँ पे 150 से 160 का मतलब है 200 अगर यहाँ पे इतने होते। इंडिया की तरफ से आज पराग पे देखें काफी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आपसे यही बोला कि भाई जब अगर किसी को थोड़ा बैक किया मैनेजमेंट ने, तो थोड़ा सा आप उसको आप भी बैक करें। और आज उसने बैटिंग से भी दो छक्के असरंगा को ऊपर नीचे, और वो बड़ी मायूसी से वापस गया, उसका दिल नहीं कर रहा था, उसका दिल कर ही नहीं सिरा के वापस जाए क्रीज छोड़ के, बट ही हैड टू गो। आधी पिच पे ठप्पा लगा हुआ था असरंगा वाली गेंद का, वो भी छक्का ही जाना था, थोड़ा सा वो बल्ले के मिडल में आई नहीं है, वरना एक और उसने वहां पे छक्का कराना था। तो टुडे वाज द डे, अगर एक आधा और यहाँ पे छक्का लग जाता तो पराग ने, खैर अभी भी वो ठीक है, 18 गेंदों पे 26 उस पिच पे सिर्फ आपके दो ओपनर का 100 का स्ट्राइक रेट है, 100 के ऊपर का, बाकी 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 2 3 4 संजू सैमसन, बोरिंकू और कैप्टन साहब भी, उनका चलो गेंदे ज्यादा खेली है, रन कम किया है, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पिच जो है वो इतनी आसान नहीं है। हाँ कुछ तो शॉर्ट सिलेक्शन पे भी बात करेंगे, वो भी कोई अच्छी नहीं थी कुछ प्लेयर्स की। खैर पराग की बात कर रहे हैं, उसकी जो 50 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई है आके गिल के साथ, वो बहुत अच्छी और शानदार पार्टनरशिप हुई है, दोनों ही अच्छा खेले। गिल की भी इनिंग्स की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बाकी फर्क ये है कि गिल कहीं ना कहीं क्रीज से निकल के, हर बंदे का यार अपना स्टाइल होता है खेलने का, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि क्रीज से निकल के फिर वो गेंद की लाइन में आके छक्का मारे, उसमें वो डिसीव हो गया और फिर आउट होके वापस चला गया। पराग के छक्के मारने की या ये कुछ बैट्समैनों में ये खासियत होती है, जैसे हार्दिक पांड्या में है, ये पराग में भी ये है खासियत कि इसको कहीं ना कहीं विकेट से निकल के बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती, कदमों का इस्तेमाल बड़ा कम करता है, खड़े खड़े ही ये छक्का मार सकता है, और ये अपने इसका मतलब रिस्की है ना एक बैट्समैन के क्रीज से बाहर निकल। गिल का क्या हुआ, गिल क्रीज से बाहर निकल के आया, वो गेंद बीट हो गई है, स्टंप हो गया, ठीक है उस तरह पावर जनरेट होती है, छक्का और दूर जाता है, लेकिन जो दोनों छक्के पराग ने मारे हैं क्रीज में खड़े खड़े ही मारे हैं,
खड़े खड़े ही। तो ये हर किसी के पास ये वाला स्किल सेट नहीं होता। और पराग आई थिंक ही डिड वेल आज। काफी लोग, मैंने ट्विटर पे भी साथ साथ मैं देखता रहता हूँ कौन क्या चल रहा है, तो काफी लोग तारीफें कर रहे थे उसके, हाँ जी मजा आ गया आज देख के। तो अच्छी पारी खेली है उसने साथ में गिल और ये दोनों, और जो 50 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई है उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये जो अच्छा डिसेंट टोटल लग गया। संजू की बात करें, जस्टिस फॉर संजू, तो देखिए भाई साहब, आप घोड़े को पकड़ के कुएं तक या तालाब तक या पौंड तक तो ले आएंगे, लेकिन अब पानी तो आप उसको जबरदस्ती नहीं पिला सकते, है कि नहीं? पानी तो फिर उसका दिल होगा तो खुद ही पिएगा। तो आप किसी ना किसी तरीके से ले तो आएंगे तालाब तक, लेकिन पानी तो उसने खुद ही पीना है। अब संजू सैमसन बीच में जी मौका नहीं मिलता, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता, ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है, यार कोई भी वजह है। अगर 3 मैच की सीरीज में 2 मैच मिले हैं, दोनों में अंडे अंडे, तो इसका फिर आप क्या बोलेंगे कि अभी भी ज्यादती हो गई है? यार परफॉर्म अगर आपको मोर अलस उसी नंबर पर भेज दिया जिस नंबर पर आप मतलब बैटिंग करते हो अपनी आईपीएल की भी टीम में, अपनी आईपीएल की टीम में भी आप जो बैटिंग करते उसी नंबर पे भेज दिया, तो फिर भी आप क्या जस्टिस, फिर आप बोलेंगे जस्टिस देखे उसके साथ ना इंसाफी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो कुछ ना कुछ करना ही है कि नहीं करना, वरना खाली आप आई डोंट नो, इसमें शायद के कुछ प्लेयर जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक की हद तक ही रह जाते हैं, वो डोमेस्टिक के ही ग्रेट्स रह जाते हैं, वो जैसी नेशनल टीम में आते हैं तो वैसी परफॉर्मेंस उनसे नहीं आती, उनका टैलेंट और कैलिबर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नेशनल टीम की जर्सी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं, ये अकेला संजू नहीं है, और भी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, और मोर ऑर लेस हर कंट्री में ऐसे प्लेयर्स होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं है, किसी और गोले से आए हैं, कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।